थी और उन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल कराया था। तो अगर ऐसे आस्थाने पर, ऐसे दरबार पर अगर खुदकुश हमला होता है तो कोई ये समझे कि ये खुदकुश हमला करके वो जन्नत में जा रहे हैं, वो अल्लाह की रहमत पे हकदार बन रहे हैं, तो ये मजाक है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बल्कि ये बर्बरियत है। और मुझे यकीन है, मैं पूरे शरह सदर के साथ कह सकता हूँ कि ये खुदकुश हमला करने वाले जन्नत में तो क्या ये सीधे, बिल्कुल सीधे जहन्नम में जा रहे हैं और अल्लाह के कहर व गजब का यकीनन बहुत बड़ा निशाना बनने वाले हैं। जी हामिद सईद काजमी साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये अफसोसनाक वाकयात तो सामने आते रहे, हुकूमत की जानिब से भी काफी इकदाम उठाए गए, काफी कामयाब ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन जब जब कोई कामयाब ऑपरेशन किया जाता है रिएक्शन के तौर पर ऐसी सूरत हाल सामने आ जाती है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के इदारों को और खासतौर पर अवाम को, शहरियों को निशाना बनाया जाता है, तो इन इकदाम को रोकने के लिए क्या कोई ऐसा मौसर लाया अमल नहीं हो सकता कि ये तमाम कार्रवाई को खत्म किया जा सके? देखिए, गुजारिश ये है कि उसका लिए तो बुनियादी तौर पर ये करना है कि ये जो तखरीबकारी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है ये इसी मकसद के लिए है। जब तक उनके महफूज ठिकानों को टारगेट नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी जो तरबियत गाहें हैं उनको खत्म नहीं किया जाएगा, जो असलहे के उनके जखायर हैं जब तक उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक आप कैसे इन चीज पर काबू पा सकते हैं? और उनकी ख्वाहिश भी यही है, जब उनके खिलाफ ये जंग शुरू हुई है तो उस वक्त से वो अवाम को वरगलाने के लिए, अवाम को दहशतजदा करने के लिए और अवाम को हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल दिलाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयां करते रहते हैं, ताकि वो अवाम जो हैं वो मजबूर होकर उनका वो उस पर आए कि जी हुकूमत से मुतालबा करें कि जी मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें और ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है ये खत्म करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम की जितनी तारीफ की जाए और उनको जितना खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है, कि अगरचे वो हुकूमत पर तनकीद तो करते हैं अगर महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की हो, दीगर मामलात हो, लेकिन जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से हो तो वो हुकूमत के शाना बशाना खड़े हुए दिखाई देते हैं। और किस अवाम में से, ये ठीक है कोई मखसूस तबकों की तरफ से तो मुतालबे आते हैं, लेकिन जनरली अवाम की तरफ से मुतालबा कभी नहीं आया कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म की जाए। वो इसलिए कि अवाम अब इतने बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं ये दीन और मजहब की खिदमत नहीं कर रहे, और जब तक इनका सर नहीं कुचला जाएगा, जब तक इनसे नजात नहीं पाई जाएगी, उस वक्त तक मुल्क में अमन और सुकून कायम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, इस तमाम आवाम की, तमाम पाकिस्तान के शहरियों की ये ख्वाहिश है कि मुल्क में अमन अमान बरकरार रहे, लेकिन ये देखा जाए कि ना तो आवाम बाजारों में इस वक्त महफूज समझते हैं अपने आप को, अब देखें तो इबादतगाहों को भी निशाना बनाया जाने लगा है, तो आवाम कब तक हौसले और बर्दाश्त से काम लेंगे? और हुकूमत पर, जैसा कि आपने खुद कहा कि तनकीद भी आती है आवाम की जानिब से, लेकिन फिर भी वो इस दहशतगर्दी की जंग में भी शाना बशाना मौजूद है, तो किस, कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिनसे अवाम भी अपने आप को महफूज समझें और हुकूमत के जो इकदाम हैं वो भी मौसर अंदाज में सामने आ सके? मैं अर्ज करूंगा कि जाहिर है कि ये इसके लिए कोई इस तरह अगर जो भी हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, हुकूमत उससे गाफिल नहीं है और उसको अपना रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल ये है कि ये जो तखरीबकार और दहशतगर्द हैं इन्होंने चूंकि पहले अवाम के जहनों में अपना असर जमाने की कोशिश की थी, अब तो वो बहुत हद तक एक्सपोज हुए हैं, लेकिन चंद माह पहले तक सूरत हाल ये थी कि वो अवाम जो आज उनको गालियां दे रहे हैं, आज उनको बुरा भला कह रहे हैं, आज उनको इस्लाम दुश्मन करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले यही उनको इस्लाम के मुजाहिद और इस्लाम के जानिसार और इस्लाम के वफादार समझते थे। तो अब जब ये कंफ्यूजन था तो ऐसी सूरत में इनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो अवाम के इश्तियाल का सबब बन सकती थी, और जाहिर है कि हम पूरे मुल्क को इस तरह किसी आग की लपेट में नहीं देना चाहते। तो इस तरह हिकमत अमली से, मसलहत से, तदबीर से ये सारे काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बेहतर नतीज बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। जी हामिद सईद काजमी साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या ये तमाम अनासर वतन अजीज में मौजूद हैं या कुछ ऐसे बैरूनी अनासर भी मुलव्वस हैं जो इनको इमदाद फराहम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है कि दो राय नहीं है, ये बात तो अपनी जगह हकीकत है कि इसमें हाथ जरूर मौजूद है। वो इसलिए कि जहाँ पर ये तखरीबकार पल रहे हैं वो इलाका कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ कोई बिजनेस सेंटर्स नहीं है, वहाँ मादनी दौलत के जखायर भी नहीं है,
तो अगर हमें दो चार गनमैन रखना पड़े तो लाखों रुपए का खर्चा होता है, तो जहां हजारों की फौज पल रही हो तो वहां पर इखराजात कैसे होंगे, उनके लिए वसाइल कितने चाहिए, और वहां पर ना तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं ना उस इलाके में इतने वसाइल हैं। तो यकीनी तौर पर इसके में गैर मुल्की हाथ तो जरूर है, लेकिन असल चीज ये है कि आप गैर मुस्लिमों को, गैर मुल्की हाथ को आप इल्जाम देते रहें, लेकिन जो आलाकार बनने वाले हैं वो तो पीछे रह के डोरियां हिलाने वाले हैं ना, जो आलाकार बनने वाले हैं, खुदकुश हमले करने वाले हैं और उनको ये तरबियत देने वाले हैं, उनको कुरान और हदीस का ये गलत मफहूम समझाने वाले हैं, तो वो तो मुसलमान है ना, वो तो कलमा गो है, वो तो पाकिस्तानी है। तो इसलिए जब तक हम अपने घर की फिक्र नहीं करेंगे उस वक्त तक बाहर नजर दौड़ाने से क्या हमें हासिल होगा। अजी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क से अक्सर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है या दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई, तो फौरन से पहले इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाता है, तहकीकात के हवाले से भी मुतालबात किए जाते हैं। तो क्या आपको पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई लाए अमल, ऐसी कोई कार्रवाई है जहां पर वो लोग भी हमारे सामने जवाब दें, और खासतौर पर वो जिनके बाद जिसकी जानिब बार बार इशारा किया जाता है, कहा जाता है कि इमदाद उन खुफिया रास्तों से आ रही है या वो हाथ मुलव्वस हैं, तो क्यों हम उनसे सवाल नहीं कर पाते? बात इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका कि जो लोग पकड़े जाते हैं, जो मंजरे आम पर आते हैं, देखिए बात यह है कि जब हम बड़े इत्मीनान से बताते हैं कि जी ये लोग जो हैं ये हैं वो उसके इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं और ये कार्रवाई करने वाले हैं, तो आप देखिए कि वो सब लोग जो हैं वो कलमा पढ़ने वाले होते हैं ना, तो अब अगर हम इल्जाम दें उनको तो वो कहेंगे जी जो आपकी गिरफ्त में है, जो पकड़े गए हैं, बताइए अगर उनमें से कोई हमारे मुल्क का बाशिंदा है, अगर कोई ऐसा है। हम ये जानने के बावजूद कि जी डोरियां हिलाने वाले वो लोग वो हैं, फीड करने वाले लोग वो हैं, सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन इसके बावजूद हम क्या करें? अगर हम खुलकर इस तरह इल्जाम दें तो वो बात तो हमारे गले पड़ेगी, इसलिए जब तक वो साजिश के ताने बाने कुछ सही तौर पर हमारे हाथ में ना आए और कोई ऐसा क्ल्यू सामने ना हो, जिस तरह ये बात कही गई थी कि जी जिन इलाकों में शुमाली इलाका जाते हैं जहां ऑपरेशन हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग मिले, उनकी लाशें मिली जो वहां पर दीनी मजहबी रहनुमा की हैसियत से थे, लेकिन उनकी मौत के बाद पता चला कि वो सिरे से मुसलमान ही नहीं थे। तो अगर कुछ इस किस्म की हकीकतें सामने आए ब्लैक एंड व्हाइट में, उनको हाईलाइट किया जाए, तो फिर मामला कुछ सुधर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हामिद सईद कादमी, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बिलाशुबा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे दरपर्दा हाथ मौजूद हैं, ऐसे बैरूनी अनासिर